नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। जुड़ जाइए सभी लोग क्लास से, चलिए जुड़ जाइएगा। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। लाइक शेयर कर दीजिए सभी लोग क्लास को, फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग अरुणिमा यादव जी, सक्सेना जी, सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत गुड इवनिंग। जुड़ जाइए सभी लोग क्लास से फटाफट से। कल की क्लास को कंटिन्यू रखने वाले हैं आज हम। भास्कर शक्या जी को भी मेरा गुड इवनिंग। कल की क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। कल जहाँ से हमने क्लास छोड़ी थी वहीं से उसको आगे कंटिन्यू रखने वाले हैं। प्रिया यादव जी को भी मेरा बहुत बहुत गुड इवनिंग। जुड़ जाइए भैया क्लास से फटाफट, सभी लोग जुड़ जाइए क्लास से, ताकि क्लास को जल्दी से जल्दी शुरू कर सके हम। क्लास को जल्दी से जल्दी शुरू किया जा सके। वेरी गुड इवनिंग हंसराज जी। देखिए 9 और 10 को आपका एग्ज़ाम है, ठीक है ना, तो इसलिए जितनी हो सके उतनी तैयारी कीजिए, ठीक है ना, जितना लग सके आप तैयारी करने में। अमित आर्या जी को मेरा राधे राधे, जय श्री राम, ठीक है ना। तो आप जितनी तैयारी कर सकते हैं, जितना आप अपने आप को झकझोर सकते हैं उतना झकझोर दीजिए और लग जाइए तैयारी में कि भाई मेरे पास तो जो भी है, बोले मेरे को तो CHO बन के दिखाना है अब, ठीक है ना। जिस दिन ये ठान लोगे उस दिन एग्जाम में सक्सेस हो जाओगे। तो चलिए इसी के साथ जुड़ जाइएगा आप सभी लोग क्लास से। क्लास को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, ताकि आपके साथ बाकी लोग भी जो भी है आपके दोस्त साथी वो सारे भी इस क्लास का फायदा उठा पाए, ठीक है ना। तो चलिए क्लास शुरू करेंगे हम। और आज की क्लास थोड़ी सी लंबी जाएगी भैया, ठीक है ना, आज की क्लास थोड़ी सी लंबी जाएगी, तो इसलिए अपनी तैयारी रखिएगा। किसी को टॉयलेट पानी सूसु पोटी जाना है तो पहले ही जाओ, ये नहीं कोई क्लास के बीच में छोड़ के भग जाओ कोई, ठीक है ना। क्लास को बीच में छोड़ के कोई मत जाना। चलिए तो हम प्रीवियस ईयर CHO क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर CHO क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चन आंसर सेशन चालू करते हैं, ठीक है ना। चलिए गुड इवनिंग शिवानी, सरला, कविता, पायल, हंसराज, ज्योति यादव, सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत गुड इवनिंग, बहुत बहुत आभार आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए। चलिए क्वेश्चन देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है आज का आपकी स्क्रीन के ऊपर। कल से कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास को, ध्यान रखना। नेम द नेम ऑफ दिस मशीन, इस मशीन को आइडेंटिफाई कीजिए, बताइए। ये जो आपके सामने एक मशीन का डायग्राम है, ये कौन सी मशीन है आपकी, आंसर दीजिए चलिए फटाफट से सभी लोग। आपकी आंखों के सामने एक मशीन का डायग्राम आया है, ये मशीन कौन सी कहलाती है आपकी। चलिए ऑप्शन आ चुके हैं आप लोगों के सामने, ऑप्शन आ चुके हैं कार्डियक मॉनिटर, डिफिब्रिलेटर, पल्स ऑक्सीमीटर या पोर्टेबल वेंटिलेटर। चलो बी आंसर आ रहा है मेरे पास, डिफिब्रिलेटर। बी राइट आंसर है क्या, चलिए सभी लोगों का आंसर बी आ रहा है और अमित जी भी बी बोल रहे हैं और राइट आंसर भी क्या है आपका, डिफिब्रिलेटर। सॉरी, राइट आंसर क्या है आपका, डिफिब्रिलेटर, ठीक है ना। ये आपका डिफिब्रिलेटर है, देख लो ये कौन सा है, बाईफेजिक डिफिब्रिलेटर है। कौन सा है, बाईफेजिक, इसके दो फेज हैं, दो फेज के साथ इसको आप दे सकते हैं यूं, बिल्कुल ऐसे यूं दबा के धर 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 धर, ठीक है ना। देखा होगा ना आप लोगों ने शिवाजी द बॉस, ठीक है ना, उसमें तो वो ना कुछ करता है ना कुछ देता है और सीधे चेस्ट में जाके झटके दे देता है, ठीक है ना। तो ऐसा कभी भी नहीं होता है आपके रियल लाइफ में। रियल लाइफ में जो डिफिब्रिलेटर होता है उसको यूज करने के बहुत सारे टेक्निक्स होती है, वो कभी पढ़ाएंगे आप लोगों को, ठीक है ना। तो राइट आंसर डिफिब्रिलेटर। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
फेशियल एक्सप्रेशन एंड बॉडी लैंग्वेज बिलोंग टू विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन? वर्बल, नॉन वर्बल, फॉर्मल, स्ट्रक्चर्ड? ऑप्शन आ चुके हैं, हम पूछ रहे हैं कि फेशियल एक्सप्रेशन एंड बॉडी लैंग्वेज बिलोंग टू विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन? आंसर दीजिए फटाफट से। बिल्कुल, सीएचओ में आपके इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं भैया, ठीक है ना। सीएचओ में अब लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है आगे, तो इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आपके 100% आएंगे। चलिए कंस मामा जी को मेरा गुड इवनिंग। अरे कंस मामा, आप अभी तो जुड़ जाते हो क्लास से, बाद में कहाँ चले जाते हो, बाद में कहाँ चले जाते हो, ये भी बता दिया करो। चलिए बी और सी में आंसर आ रहा है मेरे पास, बी और सी में। कुछ लोग बोल रहे हैं नॉर्मल वर्ल, तो कुछ लोग बोल रहे हैं फॉर्मल। अब सभी का आंसर क्या हो चुका है? नॉन वर्बल। और राइट आंसर भी क्या है इसका? आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अरे फेशियल एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज है ना, उससे क्या करते हैं, यूं आंखें चौड़ी करना, ठीक है ना। बॉडी लैंग्वेज यूं किसी को दिखाना, साढ़े तेर को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तू एक बार हाथ में आ जा मेरे बस, ठीक है ना। और तो ये आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप हो गए। अगला क्वेश्चन देखिए, द पर्सन हु ट्रांसमिट द मैसेज इज कॉल्ड एनकोडर, रिसीवर, डिकोडर या थिंकर? द पर्सन हु ट्रांसमिट द मैसेज, ठीक है ना, ऐसा पर्सन जो मैसेज को क्या करता है, ट्रांसमिट करता है, उसको हम क्या बोलेंगे, एनकोडर, रिसीवर, डिकोडर या थिंकर? आंसर दीजिए, चलिए फटाफट से आंसर दे दीजिए सभी लोग। अरे मथुरा जाओ, चाहे काशी जाओ, चाहे अयोध्या जाओ, ठीक है ना, लेकिन क्वेश्चन का आंसर देख के जाना, ठीक है रामवीर जी। चलिए आंसर दीजिए, ये आंसर आ रहा है मेरे पास एनकोडर। राइट आंसर क्या होता है बताइए, चलिए जल्दी से आंसर दीजिए सभी लोग, राइट आंसर कमेंट कर दीजिए। राइट आंसर क्या है इसका, एनकोडर, रिसीवर, डिकोडर या आपका थिंकर? बिल्कुल, चलिए सभी का राइट आंसर आ चुका है। और राइट आंसर इसका क्या है आपका, एनकोडर, ठीक है ना। ट्रांसमिट का मतलब क्या होता है, प्रवाहित करना, सॉरी ट्रांसमिट का मतलब क्या होता है आपका, प्रसारित करना, क्या करना, प्रसारित करना, ठीक है ना। तो प्रसारित करने मतलब जो आपका मैसेज भेज रहा है, तो मैसेज कौन भेजता है आपका, एनकोडर। और एनकोडर फिर क्या करेगा, रिसीवर या डिकोडर के पास भेजेगा। किसके पास, रिसीवर या डिकोडर का काम एक ही चीज है, ठीक है ना। रिसीवर ही मैसेज को डिकोड करता है, जबकि थिंकर का मतलब होता है सोचना, किसी भी तरह का आइडिया आना, ठीक है ना। माइंड में कोई भी आइडिया आता है तो उसको थिंकिंग बोलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टाइम इंटरवल बिटवीन द इन्वेजन बाय एन इन्फेक्शियस एजेंट एंड जस्ट अपीयरेंस ऑफ द साइन एंड सिम्टम ऑफ द डिजीज, लेटेंट पीरियड, क्वारंटीन, इंक्यूबेशन पीरियड या टर्मिनेशन पीरियड? और जो लोग मेरी क्लास को रेगुलर देखते हैं वो बिना किसी झिझक के इसका आंसर दे देंगे। बताइए, टाइम इंटरवल बिटवीन द इन्वेजन ऑफ इन्वेजन बाय इन्फेक्शियस एजेंट एंड जस्ट अपीयरेंस ऑफ साइन एंड सिम्टम, लेटेंट, क्वारंटीन, इंक्यूबेशन या टर्मिनेशन? कम ऑन, क्विक आंसर आने चाहिए आप सभी के, आंसर क्विक आने चाहिए सभी लोगों की तरफ से। इंक्यूबेशन बोल रहे हैं, चलिए बहुत बढ़िया, और आंसर दीजिए। आलोक शर्मा 39 भी सी बोल रहे हैं, ठीक है। स्नेहा, कंस मामा, रामवीर, निशु, अर्पू, सभी लोगों का आंसर आ चुका है और राइट आंसर दे रहे हैं सभी लोग, क्या आपका, इंक्यूबेशन पीरियड। यदि इसका एक्सप्लेनेशन देखना है तो जाके मेरी प्रीवियस क्लास आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से आपका इंक्यूबेशन पीरियड कहलाएगा, ठीक है ना, प्रीवियस क्लास देख लीजिएगा। और कृपया करके मैं आपसे एक विनती दोबारा कर रहा हूँ कि जितने लोग भी क्लास से जुड़े हुए हैं फटाफट से क्लास को लाइक कर दो और शेयर कर दो, आप जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ठीक है ना, सभी जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी के साथ,
इंडिया ऑब्जर्व नेशनल वैक्सीनेशन डे एवरी ईयर ऑन 12th मार्च, 18th मार्च, 16th मार्च या 25th मार्च? बताइए, इंडिया नेशनल वैक्सीनेशन डे कब ऑब्जर्व करता है? हर साल कब मनाया जाता है आपका नेशनल वैक्सीनेशन डे? और नेशनल वैक्सीनेशन डे कब मनाया जाता है आपका, बताइए, चलिए जल्दी से। आंसर दीजिएगा 12 मार्च, 18 मार्च, 16 मार्च या 25 मार्च। चलिए, आंसर आ रहे हैं मेरे पास, कुछ लोग सी बोल रहे हैं 16, कुछ लोग बोल रहे हैं ए। सर 12 मार्च होता है, 12, 18, 16, 25, सी ज़्यादा आंसर आ रहा है। अरे गूगल तो नहीं करके आ गए कहीं? कहीं गूगल करके आ रहे हो, पता चले बाद में। चलिए, तो आप सभी लोगों का आंसर सही है, ठीक है ना, मोस्टली सभी का आंसर सही आया है। और राइट आंसर क्या है आपका? 16 मार्च, ठीक है ना। 16 मार्च को आपका नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाया जाता है, ठीक है ना। नेशनल वैक्सीनेशन डे कब मनाया जाता है आपका? 16th ऑफ मार्च को, ठीक है ना। अंजना जी, आइडिया नहीं था तो आइडिया हमने आपको दे दिया, ठीक है ना। और अब आइडिया को वोडाफोन वी में चेंज करा लेना, नहीं तो देखते रह जाओगे। वोडाफोन आइडिया बदल चुका है अब वो, ठीक है ना। तो आपका 16 मार्च राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है? बेनिफिशरीज ऑफ सुमन एक्सपेक्ट ऑल प्रेग्नेंट वुमेन, मदर अप टू 6 मंथ ऑफ डिलीवरी, ऑल सिक न्यूबॉर्न या ऑल चिल्ड्रन अप टू 3 इयर्स ऑफ एज। चलिए बताइए, जो आपका सुमन होती है ना, सुमन, ठीक है ना। अब ये कोई लड़की नहीं है सुमन, कहीं कोई बोले सुमन कमेंट कर रही हो तो बोले बता सुमन तेरे बेनिफिशरीज कौन कौन है, ऐसा मत बोल देना। ये आपकी सुमन योजना का नाम है, जिसका पूरा नाम क्या होता है? सुरक्षित मातृत्व आश्वासन। क्या होता है इसका पूरा नाम? सुरक्षित मातृत्व आश्वासन, ठीक है ना, ये इसका पूरा नाम होता है। तो इसका आंसर दीजिए, चलिए डी आंसर आ रहा है मेरे पास, डी आंसर आ रहा है। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं ऑल सिक चिल्ड्रन, ठीक है, ऑल सिक न्यूबॉर्न, ठीक है। सी और डी में कंफ्यूज हो रहे हैं आप लोग, सी और डी में कंफ्यूज हो रहे हैं। बताइए राइट आंसर क्या होगा, सी या डी, किसको लॉक किया जाए? राणा जी, मुझको राणा जी माफ करना, बताइए। चलिए डी आंसर आ रहा है अब आप ज्यादातर आप लोगों की तरफ से, तो राइट आंसर भी क्या है इसका आपका? डी, ऑल चिल्ड्रन अप टू 3 इयर्स ऑफ एज, ठीक है ना। ये इसके बेनिफिशरीज नहीं होते हैं, जबकि सुरक्षित मातृत्व आश्वासन के प्रेग्नेंट वुमेन भी बेनिफिशरीज है, मदर अप टू 6 मंथ ऑफ डिलीवरी भी है, और ऑल सिक न्यूबॉर्न, ठीक है ना। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन के तहत इन सबकी केयर की जाती है। और ये लॉन्च कब हुआ था आपका? 10 अक्टूबर 2019 को, ठीक है ना। कब हुआ था? 10 अक्टूबर 2019, याद रखिएगा, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन 10 अक्टूबर 2019, और इसके बेनिफिशरी ये सब है, ठीक है ना। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन, बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको इसका नाम यही याद हो जाए, ठीक है ना, बाद में रटने की जरूरत नहीं पड़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, ए न्यूबॉर्न इज असेस्ड फॉर अबगार एट 5 मिनट आफ्टर बर्थ, द स्कोर इज 8, व्हाट डज दिस इंडिकेट? नो डिप्रेशन, माइल्ड डिप्रेशन, मॉडरेट डिप्रेशन या सीवियर डिप्रेशन, बताइए।
नो डिप्रेशन, माइल्ड डिप्रेशन, मॉडरेट डिप्रेशन या सीवियर डिप्रेशन। कब? यदि अफगार स्कोर एट 5 मिनट आफ्टर बर्थ इज 8। After 5 मिनट ऑफ बर्थ अफगार स्कोर इज 8, इट विल इंडिकेट नो डिप्रेशन, माइल्ड डिप्रेशन, मॉडरेट डिप्रेशन या सीवियर डिप्रेशन। चलिए आलोक शर्मा 42C, चलिए मॉडरेट डिप्रेशन बोल रहे हैं वो। बाकी सभी का आंसर क्या आ रहा है मेरे पास? बिल्कुल सही, सभी लोगों ने बोल दिया नो डिप्रेशन। यदि आपका क्या है अफगार स्कोर 8 से 10 के बीच में है तो उसको हम क्या बोलते हैं? नो डिप्रेशन, नो डिप्रेशन। जबकि वो कितना है आपका? 3 से 7 के बीच में, तो उसको क्या बोलेंगे? माइल्ड डिप्रेशन। और लेस देन 3 तो उसको बोल देंगे हम सीवियर। ठीक है ना, 8 से 10 नो, 3 से 7 आपका माइल्ड और लेस देन 3 आपका सीवियर। ठीक है ना, तो ये इसका राइट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए टेक्निक ऑफ रिपीटिंग द मेन मैसेज एक्सप्रेस बाय द नर्स इज कॉल्ड एज लिसनिंग, रीस्टेटिंग, क्लैरिफिकेशन या रिफ्लेक्शन। बताइए, ए टेक्निक ऑफ रिपीटिंग द मेन मैसेज एक्सप्रेस बाय नर्स। आंसर दीजिए इसका फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन के ऊपर। भैया शायद 8 to 10 ही होता है नॉर्मल, जहां तक मेरे को ध्यान है, जहां तक मेरा पढ़ा हुआ है नॉर्मल आपका अफगार स्कोर 8 to 10 ही होता है ना, और 3 to 7 आपका माइल्ड कहलाता है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्लैरिफिकेशन बोल रहे हैं कुछ लोग बोल रहे हैं लिसनिंग। अरे रिपीटिंग द मेन मैसेज, रिपीटिंग द मेन मैसेज एक्सप्रेस बाय द नर्स। अरे मैं नर्स हूं, मैं आपको कुछ बोल रहा हूं और आप उसको वापस रिपीट कर रहे हो, तो उसको क्या बोलोगे आप लोग? क्या बोलोगे उसको? नो आइडिया कंस मामा जी, तो आइडिया हम दे देते हैं। आइडिया क्या है इसका? रीस्टेटिंग। अरे रीस्टेटिंग का मतलब ही क्या होता है? रिपीट करना। रीस्टेटिंग का मतलब क्या है? दोबारा से स्टेट करना या दोबारा से बोलना। अरे मैंने आपको कुछ बोला और आपने क्रॉस चेक करने के लिए दोबारा से उसी चीज को दोहराया। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए मैंने कुछ भी बोला आपको कि मैंने आपको बोला अच्छा, तो आपने भी बोला अच्छा, यानी कि आपको समझ में आ गया, आपने उसको ढंग से सुन लिया। ठीक है ना, क्या बोलते हैं उसको? रीस्टेटिंग। छोटे छोटे क्वेश्चन और आपका सिलेक्शन। ठीक है ना, इसी तरह से ये जो आपके छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, यही आपका क्या बोल करा के जाते हैं? सिलेक्शन कहलाते हैं। अरे यहाँ पे टेक्निक पूछी है, यहाँ पे टेक्निक पूछी है, किस टेक्निक में आप दोबारा से बोलते हैं? तो रीस्टेटिंग में ही तो बोलेंगे। क्लैरिफिकेशन में बोलेंगे क्या? क्लैरिफिकेशन का मतलब तो क्या होगा? क्लैरिफिकेशन का मतलब होगा कि भाई आप क्लैरिफाई कर रहे हैं, आपको कोई डाउट है, आप मेरे सामने आपने डाउट पुट किया। जैसे अभी किसी का मैसेज आया था कि नहीं सर 7 से 10 होता है, तो मैंने उसको क्लैरिफाई किया, नहीं बेटा कितना होता है? 8 से 10। ठीक है ना, जहां तक मैंने पढ़ा है। ठीक है ना, तो क्लैरिफिकेशन तो होगा ही नहीं। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? मैंने कुछ बोला और आपने उसका कुछ रिफ्लेक्शन दिया, कुछ जवाब दिया। जबकि लिसनिंग का मतलब क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ सुनना। ठीक है ना, तो मन में किसी भी तरह का कोई डाउट मत रखिएगा और क्लास को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा सभी लोग। ठीक है ना, और आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन ढंग से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नर्स मस्ट कंसीडर द फॉलोइंग 5 राइट वाइल एडमिनिस्ट्रेटिंग मेडिकेशन। एक्सपेक्ट राइट पेशेंट, राइट पोस्चर, राइट टाइम या राइट डोज। चलिए राइट पेशेंट, राइट पोस्चर, राइट टाइम या राइट डोज। नर्स मस्ट कंसीडर फॉलोइंग 5 राइट्स वाइल एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन। एक्सेप्ट, बताइए एक्सेप्ट आया इस क्वेश्चन के अंदर। चलिए आंसर दीजिए फटाफट से।
बी आंसर आ रहा है मेरे पास राइट पोस्चर, और बहुत बढ़िया सभी लोगों का आंसर सही आ रहा है। राइट आंसर क्या है इसका आपका, राइट पोस्चर ही है, ठीक है ना, क्योंकि फाइव राइट्स में क्या आता है, एक तो पेशेंट आ गया, एक टाइम आ गया, एक डोज आ गया, एक आपका राइट रूट और एक आपका राइट ड्रग, ठीक है ना, एक राइट रूट और एक राइट ड्रग, ये टोटल आपके पांच राइट होते हैं जो बेसिक फाइव राइट्स है ना किसी भी पेशेंट के ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई दिस इंस्ट्रूमेंट, बताइए इस इंस्ट्रूमेंट को आइडेंटिफाई कीजिए। चलिए फटाफट से, क्या ये डिसेक्टिंग फोर्सेप है, क्या ये आपकी डायलेटर है, ठीक है ना, या फिर ये आपकी स्पैचुला है, या फिर ये आपका बीपी हैंडल है, बताइए। चलिए कमेंट कीजिए फटाफट से, कमेंट आने चाहिए बिना किसी रुकावट के। चलिए गुड़िया सरकार जी बोल रही है सर बी डायलेटर है ये, और बोलिए रोली सिंह जी भी बी बोल रहे हैं, ठीक है, ज्योति सोनालिका जी बोल रही हैं सर डी होगा, निशु जी भी डी बोल रही हैं, और बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, डी को लॉक करवा दिया आप सभी लोगों ने, डी को लॉक करवा दिया, और बिल्कुल आप लोगों के कहने से मैं डी को लॉक कर दूंगा, क्योंकि राइट आंसर क्या है इसका, बीपी हैंडल, ठीक है ना। ये आपकी कई बार जब इंसीजन वगैरह लगाते हैं तो उसमें कई बार ये काम में आती है, इसमें ब्लेड फंसा सकते हैं आप, क्या कर सकते हैं ब्लेड को फंसा सकते हैं। और इसका पूरा नाम क्या होता है आपका, पूरा नाम इसका होता है बार्ड पार्कर हैंडल, क्या होता है बार्ड पार्कर, बार्ड पार्कर हैंडल इसका पूरा नाम है, ठीक है ना, ब्लड प्रेशर नहीं है, क्या है बार्ड पार्कर हैंडल, इसके अंदर आप ब्लेड को फंसा के इंसीजन या कट वगैरह लगा सकते हैं यदि आपको लगाने हैं तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, द नर्स इन्फॉर्म द फिजिशियन अबाउट द डेविएशन इन द रिकवरी ऑफ द पेशेंट बाय अंडरस्टैंडिंग दैट सर्टेन रेमिडियल एक्शन आर नेसेसरी इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स लेवल क्रिटिकल थिंकिंग, कमिटमेंट लेवल क्रिटिकल थिंकिंग, बेसिक लेवल क्रिटिकल थिंकिंग, या एडवांस लेवल क्रिटिकल थिंकिंग, कमेंट कीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने पिछले क्वेश्चन का राइट आंसर दिया, अब इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर देके तालियां बजाइए, ठीक है ना, इस क्वेश्चन का जो भी राइट आंसर देगा उसको मेरी तरफ से चॉकलेट, ठीक है ना, ऑनलाइन पार्सल कर दूंगा मैं कैश ऑन डिलीवरी से, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल ऑनलाइन भेजी जाएगी आपको, लेकिन मोड ऑफ पेमेंट सीओडी रहेगा, ठीक है ना, कैश ऑन डिलीवरी। चलिए ए आंसर आ रहा है मेरे पास, निशु खान जी बोल रही हैं बी कमिटमेंट लेवल, संदीप जी बोल रहे हैं नहीं आप सब गलत हैं सी होगा, दीपशिका जी भी सी बोल रही हैं। चलिए क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लीजिए, यदि आपको क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया तो आप इजीली इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल पक्का कैश ऑन डिलीवरी के साथ चॉकलेट आएगी। चलिए अमित जी बोल रहे हैं डी, देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है कि नर्स ने इन्फॉर्म किया है किसको, फिजिशियन को, किसके बारे में, डेविएशन इन द रिकवरी ऑफ पेशेंट, कि भाई पेशेंट की रिकवरी हो रही थी और रिकवरी होते होते अचानक से उसमें डेविएशन आ गया, उसकी रिकवरी बंद हो गई, ठीक है ना, बाय अंडरस्टैंडिंग दैट सर्टेन रेमिडियल एक्शन आर नेसेसरी, यानी कि उसने क्या किया, उसने पेशेंट को इन्फॉर्म, पेशेंट की जनरल कंडीशन में रिकवरी हो रही थी, अचानक से कुछ डेविएशन आया और नर्स ने डॉक्टर को फोन करके बोल दिया या कैसे भी बोला कि सर इसकी रिकवरी में डेविएशन आया है और अब इसको इस चीजों की जरूरत है, तो ये क्या होती है आपकी, बेसिक लेवल क्रिटिकल थिंकिंग कहलाती है, क्या कहलाती है आपकी, बेसिक की लेवल की क्रिटिकल थिंकिंग। अरे सीधी सी बात है, पेशेंट की आपके किसी भी तरह का कोई दिक्कत होगी, पेशेंट को किसी भी तरह की दिक्कत होगी तो आप क्या करोगे, आप
जाके डॉक्टर को बोल दोगे ना कि भाई डॉक्टर साहब इसको इस तरह की दिक्कत हो गई है, आप बताओ क्या करना है। तो इसको बेसिक लेवल क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी ऑफ इंडिया वॉज लॉन्च्ड इन 1982, 87, 94 या 2014, बताइए। नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी कब हुई थी आपकी इंडिया के अंदर लॉन्च? 1982 में, 1987 में, 1994 में या 2014 के अंदर? आंसर दीजिएगा। नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी, शिवानी जी बोल रही है कि हंसराज जी ने बी दिया था, कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर राइट दीजिए सभी लोग, बहुत बढ़िया। ए और बी में मिक्स आ रहा है मेरे पास आंसर, 1982 या 1987, ए या बी, किसको लॉक किया जाए, 1982 को या 1987 को? चलिए आप लोगों का, जिन्होंने भी बी बोला है उनका दिल हम बिल्कुल भी इस बार भी नहीं तोड़ेंगे, ऐसा मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि राइट आंसर क्या है इसका, 1982। इसके अंदर आपका क्या आई थी, नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी आई थी, ठीक है ना। नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी कब आई थी आपकी, 1982 के अंदर, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। All of the following are barrier method of contraception except diaphragm, Novati, vaginal sponge या condom. All are following barrier method of contraception. Barrier method of contraception except. चलिए कंस मामा जी बोल रहे हैं कि पता नहीं क्या बोल रहे हैं, इनका दिल टूट गया, कोई बात नहीं, फेविकॉल से जोड़ लो, ठीक है ना। फोटो को तो फेविकॉल से चिपका ही लिया, अब दिल को भी जोड़ लो। चलिए क्या सुना रहे हैं देखे कंस मामा जी, इनकी भी सुन लेते हैं हम, बहुत बढ़िया। चलिए राइट आंसर आ चुका है सभी लोगों का, और राइट आंसर क्या है इसका आपका, नोवाटी, ठीक है ना, नोवाटी राइट आंसर है इसका। नोवाटी क्या होती है आपकी, एक तरह की कॉपर्टी का टाइप है, एक तरह का कॉपर्टी का टाइप है जो कि आपकी इंट्रा यूट्राइन डिवाइस होती है। क्या होती है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, ठीक है ना। बाकी सारे आपके बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है। और देखिए आगे, द मोड ऑफ एक्शन ऑफ हॉर्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूट्राइन डिवाइस इज, एनहेंस द सेलुलर रेस्पॉन्स इन द एंड्रोमेट्रियम, इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस, इंक्रीज द स्पर्म मोटिलिटी एंड कैपेसिकेशन, या फिर क्रिएट ए फेवरेबल एनवायरमेंट फॉर इम्प्लांटेशन। बताइए मोड ऑफ एक्शन ऑफ हॉर्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, ऐसी इंट्रा यूट्राइन डिवाइस जो क्या करती है आपकी, हार्मोन रिलीज करती है, उनका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, ए बी सी और डी, चारों ऑप्शन है आपके सामने, बताइए ए बी सी या डी, चारों में से कौन सा आंसर सही होगा। चलिए बी और सी में आंसर मिक्स आ रहा है मेरे पास, इंक्रीज विस्कोसिटी और कैपेसिकेशन। इंक्रीज विस्कोसिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस या कैपेसिकेशन, इंक्रीज स्पर्म मोर्टेलिटी एंड कैपेसिकेशन। चलिए बिल्कुल आज आपकी क्लास लंबी जाएगी प्रिया यादव जी, ठीक है ना। और राइट आंसर क्या है इसका, इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ द सर्वाइकल म्यूकस, सर्वाइकल म्यूकस की विस्कोसिटी को क्या कर देते हैं ये, इंक्रीज कर देते हैं, सर्वाइकल म्यूकस को गाढ़ा बना देते हैं, और अब गाढ़ी चीज में स्पर्म आपका जल्दी तेजी से नहीं भाग पाएगा, तो आपका फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा, और फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा तो आपकी फीमेल प्रेग्नेंट ही नहीं होगी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए,
द नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट सिम्पोथर्मिक मेथड, सर्वाइकल म्यूकस मेथड, बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड या यूज ऑफ कॉन्डोम। चलिए फटाफट से आंसर दे दीजिएगा इस क्वेश्चन का। अभी यार लाइव बढ़ाओ यार, देखो ऐसे नहीं चलेगा क्लास में। क्लास को लाइक और शेयर कर दो सभी लोग फटाफट से, ताकि और भी लोग जुड़े क्लास से, ठीक है ना, ताकि और भी लोग जुड़ पाए। सोनाली जी, अमित आर्या जी बोल रहे हैं डी। अरे कमेंट कर दो ना फटाफट से यदि आंसर आपका डी है तो। चलिए बहुत बढ़िया, राइट आंसर क्या है इसका, डी, यूज ऑफ कॉन्डोम्स, ठीक है ना। कॉन्डोम आपका नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड नहीं है, जबकि सिम्पेथोमर्मिक में भी आपका फैमिली प्लान बेसिक है, सर्वाइकल म्यूकस भी बेसिक मेथड है, और बेसल बॉडी टेम्परेचर भी आपका क्या है, नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पेंटावेलेंट वैक्सीन इज गिवन एट 4-8-12 वीक, 5-10-15, 6-10-14 या 4-8-16। एक और काफी अच्छा क्वेश्चन आया है और काफी बढ़िया क्वेश्चन आया है स्क्रीन के ऊपर। पेंटावेलेंट वैक्सीन इज गिवन एट 4-8-12, 5-10-15, 6-10-14 या 4-8-16। चलिए शिप्रा राय जी बोल रही हैं सी, पूजा जी बोल रही हैं बी, आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया, सूरज जी, शेफाली, अमित, सौम्या, दिव्या, अरुष्का, कल्पना, प्रियंका, सक्सेना, रोनी, सभी लोगों का आंसर आ चुका है। और राइट आंसर क्या है, 6-10-14 वीक, ठीक है ना। कितने वीक पे दी जाती है, 6, 10 और 14, ठीक है ना। कौन कौन सी वैक्सीन होती है, MMR, हेपेटाइटिस बी और हिब, ठीक है ना, इन्फ्लुएंजा वायरस वाली, MMR, हेपेटाइटिस बी और हिब, ये 5 वैक्सीन होती है इसके अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, नहीं सॉरी देखिए दोबारा आइए, MMR नहीं होती है इसके अंदर, कौन सी आती है आपकी, DPT आती है, ठीक है ना। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था मैं भी, कौन सी आती है आपकी, DPT, हेपेटाइटिस बी भी नहीं आती, सॉरी दिमाग से निकल रही है। एक तो आपकी DPT होती है, ठीक है ना, एक तो आपकी DPT होती है। MMR में तो मीजल्स अलग लगती है और MR अलग लगती है, ठीक है ना। एक तो आपकी शायद DPT आती है, इसके अलावा एक इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन भी होती है, ठीक है ना। MMR नहीं होगा, बिल्कुल आपने सही बोला था। एक हाँ देखिए, हिब और हेपेटाइटिस बी, ठीक है ना, कौन सी लगती है, हिब और हेपेटाइटिस बी, ये 5 वैक्सीन होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सक्सेना जी बताने के लिए, ठीक है ना। DPT का तो मेरे को अचानक से ध्यान आ गया था, हेपेटाइटिस बी और हिप, ये 5 वैक्सीन आपकी होती है किसके अंदर, पेंटा वैलेंट के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वीकली आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम इज मीन्ट फॉर एडोलसेंट गर्ल एंड लैक्टेटिंग मदर्स, एडोलसेंट बॉयज, प्रेग्नेंट मदर एंड लैक्टेटिंग मदर्स, प्रेग्नेंट वुमेन या एडोलसेंट बॉयज एंड गर्ल्स, बताइए। वीकली आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम, या इसको WIFS प्रोग्राम भी आप कह सकते हैं, ये किसके लिए बनाया गया था, एडोलसेंट गर्ल्स के लिए या लैक्टेटिंग मदर्स के लिए, एडोलसेंट बॉयज एंड प्रेग्नेंट मदर, लैक्टेटिंग मदर, प्रेग्नेंट वुमेन या एडोलसेंट बॉयज एंड गर्ल्स। चलिए ए आंसर आ रहा है मेरे पास, एडोलसेंट गर्ल एंड लैक्टेटिंग मदर्स। नेहा जी अलग ही दुनिया में से आ रही है, बोले सर नहीं डी होगा। दिव्या नगर जी भी डी बोल रही है, अरे डी कैसे होगा, बॉयज को दोगे क्या आयरन फोलिक एसिड टैबलेट, बॉयज को कभी सुनाया क्या देते हुए, अलग ही अलग से ये कमेंट कर रहे हो, थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ। चलिए
सी आंसर आ रहा है मेरे पास आप लोगों की तरफ से, अभी भी कुछ लोग डी के हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है ना। चलिए अब आप लोग मेरे को इतना फोर्स कर रहे हो, मेरे मनाने पे भी नहीं मान रहे, तो मुझे थक हार के आप लोगों की वजह से, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से क्या बोलना पड़ रहा है कि इसका राइट आंसर क्या है। चलिए अब सबका ओपिनियन चेंज हो गया, ठीक है। अभी भी कुछ लोग डीप अटके हुए हैं, तो उन लोगों के लिए मेरे को बोलना पड़ रहा है, बड़े ही दुखी मन से कहना पड़ रहा है क्या कि राइट आंसर क्या होगा आपका, डी एडोलेसेंट बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है ना। ये जो आपका वीकली आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम है, वीकली आयरन एंड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम है, ये आपके स्पेशली एडोलेसेंट बॉयज और गर्ल्स के लिए बनाया गया है, क्योंकि आपका ऐसा देखा गया था कि एडोलेसेंट बॉयज और गर्ल्स दोनों में ही आयरन की कमी होती है, ठीक है ना, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ये प्रोग्राम बनाया गया था। चलिए राइट आंसर क्या था आपका, डी। अब जिन लोगों ने मेरे कहने की वजह से ओपिनियन बदला, उनका क्या हो गया, बिल्कुल साफ हो गया, ठीक है ना मामला। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एडोलेसेंट हेल्थ प्रोग्राम प्रोवाइड आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन ऑन ऑल डेज, फाइव डेज एवरी वीक, वंस ए मंथ या वंस एवरी टू मंथ्स, बताइए। शिवानी जी बोल रही है मैंने तो डी दिया था, बाद में सर ने कंफ्यूज कर लिया तो बदल दिया मैंने ऑप्शन। अरे मेरे कंफ्यूज करने से क्या होता है, आप तो अपने आंसर पे अड़िग रहो, बिल्कुल रागिनी जी ने नहीं बदला था, ठीक है ना। चलिए दिव्या जी ने भी नहीं बदला था, चलिए बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। और कोई क्लास ढंग से देख रहा है तो इसका गलत आंसर नहीं देगा। चलिए बी और डी, अभी भी बी और डी में कंफ्यूज हो रहे हो, अरे अभी पीछे पीछे ही तो क्वेश्चन गया है, वीकली आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट किसको दी जाती है, एडोलेसेंट बॉयज एंड गर्ल्स को, और यहाँ पे भी क्या पूछ रहे हैं कि एडोलेसेंट हेल्थ प्रोग्राम, ठीक है ना, इसके अंदर आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट दे रहे हैं, तो कब दोगे, फिक्स डेज एवरी वीक। पिछले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन का आंसर था, पिछले क्वेश्चन में ही इस क्वेश्चन का आंसर छुपा हुआ था, बस देखने वाले की नजर चाहिए, ठीक है ना। यूं तो हजार गम है इस दुनिया में, लेकिन मुझे तो सिर्फ खुशी ही खुशी दिखाई देती है, क्योंकि मेरी नजर क्या ढूंढती है, सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही ढूंढती है, ठीक है ना। तो देखने वाले की नजर का कमाल है, वो क्या देखना चाहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ एडोलसेंट एंड फॉर कंट्रोल हेलमेंथिस इन्फेक्शन, टैबलेट एल्बेंडाजोल इज एडमिनिस्टर्ड वंस ए ईयर, ट्वाइस ए ईयर, थ्री टाइम ए ईयर या वंस एवरी थ्री मंथ। जो आपकी टैबलेट एल्बेंडाजोल है टू मेंटेन हेल्थ एंड एडोलसेंट, ठीक है ना, और फॉर कंट्रोल हेलमेंथिस इन्फेक्शन, कितनी बार एडमिनिस्टर की जाती है, वंस ए ईयर, ट्वाइस ए ईयर, थ्री टाइम ए ईयर या वंस इन एवरी थ्री मंथ। चलिए आंसर आ रहा है मेरे पास आप लोगों की तरफ से, बहुत बढ़िया, कमेंट कीजिए सभी लोग, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी का कमेंट आना चाहिए, सभी का कमेंट आना चाहिए इस क्वेश्चन पे। और राइट आंसर क्या है इसका आपका, राइट आंसर क्या है, बिल्कुल जब आप लोगों ने बोल दिया ट्वाइस ए ईयर, तो आंसर भी क्या है इसका, ट्वाइस ए ईयर, ठीक है ना, साल में दो बार दी जाती है। यदि किसी के जानकारी में कोई आंगनवाड़ी में काम करता होगा तो भर भर के लाके देती है आंगनवाड़ी वाली महिलाएं, तो ठीक है ना, आंगनवाड़ी महिलाएं तो बोले तुम तो 10 पैकेट ले जाओ, बोले एक साथ उठा के, ठीक है। आगे देखिए, द ओनली वे टू लिमिट द साइज एंड कंट्रोल द इंटरवेल बिटवीन बर्थ इज बाय रिड्यूसिंग द मैटरनल मोर्टलिटी, फैमिली प्लानिंग, हेल्थ काउंसलिंग या ऑल ऑफ दीज, बताइए।
ओनली वे टू लिमिट द साइज एंड कंट्रोल टाइम द इंटरवेल बिटवीन बर्थ इज बाय रिड्यूसिंग द मैटरनल मोर्टिलिटी फैमिली प्लानिंग हेल्थ काउंसलिंग या ऑल ऑफ दीज। चलिए बिल्कुल शिवानी जी की आंटी ने शिवानी जी को भर भर के पैकेट खिलाए हैं। चलिए और बताइए आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कुछ लोग बोल रहे हैं डी, डी आंसर आ रहा है भाई ज़्यादातर मेरे पास। अमित जी का आंसर भी डी आ रहा है, ठीक है। और बताइए, चलिए डी को लॉक कर दो। बिल्कुल आप लोगों के कहने पे डी को हम लॉक करेंगे या नहीं करेंगे ये आगे बताते हैं। बाकी संजीत जी बोल रहे हैं नहीं आप सब गलत है, राइट आंसर बी होगा, ठीक है। चलिए आप सभी के कहने पे एक बार लॉक करवा दीजिए यदि डी आंसर सही है तो, ठीक है ना। बिल्कुल रितु सिंह जी ने लॉक करवाया, लेकिन उन्होंने लॉक करवाया है आपके बी को, ठीक है ना। और राइट आंसर इसका क्या है आपका, फैमिली प्लानिंग। अरे हेल्थ काउंसलिंग करने से कैसे आप बर्थ को रेट कंट्रोल को, बर्थ रेट को या फिर इंटरवेल बिटवीन बर्थ को कंट्रोल करोगे। थोड़ा सा दिमाग तो लगाओ जरा सा कि हेल्थ काउंसलिंग यदि आपने करी, हेल्थ काउंसलिंग आपने यदि करी तो आप क्या करोगे, उसकी हेल्थ को चेक करोगे ना कि भाई वो बीमार है या नहीं है, उसको कोई बीमारी है या नहीं है, या कोई लक्षण दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे। उसमें ये थोड़ी समझाओगे उसको हेल्थ काउंसलिंग में कि भाई तेरे को बच्चों को प्रिवेंट करना है। बच्चों को प्रिवेंट करना, बच्चों को रोकने का काम किस में होगा, फैमिली प्लानिंग के अंदर। उसको बताओगे तरीके, बताओगे अलग अलग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कि भाई ये कॉन्डम होता है, ये डायफ्राम होता है, ये आपकी कॉपर टी होती है, ये आपका लिप्स लूप होता है, ये आपकी ओरल पिल्स होती है। इस तरह से सारी चीजें बताओगे उसको, ठीक है ना। और फिर उसको बोलोगे कि भाई अब तेरी इच्छा है तू कौन से मेथड से फैमिली प्लानिंग करना चाहता है, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या था, बी फैमिली प्लानिंग। और एक आपकी एक अप्रोच और होती है, कैफेटेरिया अप्रोच, ठीक है ना, ध्यान रखना कैफेटेरिया अप्रोच। कैफेटेरिया अप्रोच का मतलब क्या होता है, कैफेटेरिया अप्रोच का मतलब क्या होता है कि भाई आपको क्या करना है, एक्सप्लेन ऑल फैमिली प्लानिंग मेथड टू कपल एंड लेट देम डिसाइड, ठीक है ना। कैफेटेरिया अप्रोच का मतलब क्या होता है कि भाई आपको कपल के सामने सारे फैमिली प्लानिंग मेथड उनको समझा देने हैं, ठीक है ना, और फिर उनको डिसाइड करने देना है कि वो कौन सा मेथड यूज में लेते हैं, ठीक है ना। उसको हम क्या बोलते हैं, कैफेटेरिया अप्रोच। तो ये क्वेश्चन भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि कैफेटेरिया अप्रोच क्या होती है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे अब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीजल्स इज कॉज्ड बाय वेरिसेला जूस्टर, आरएनए पैरामिक्सो, रूबेला या इन्फ्लुएंजा। सिंपल सा क्वेश्चन है और सिंपल सा आंसर है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। मीजल्स इज कॉज्ड बाय, चलिए एक्सेप्ट, गजब का फंसाता है, इसीलिए तो एक्सेप्ट है भैया, इसीलिए तो वो एक्सेप्शन है, अपवाद है, वो आपका बना के जाता है अब हर बार, इसलिए उसको एक्सेप्शन बोलते हैं। चलिए बी आंसर आ रहा है मेरे पास, बी आरएनए पैरामिक्सो। और राइट आंसर भी क्या है इसका आपका, आरएनए पैरामिक्सो वायरस, ठीक है ना। राइट आंसर क्या है, आरएनए पैरामिक्सो वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम कवर्स द फॉलोइंग डिजीज एक्सेप्ट मलेरिया, लेप्रोसी, चिकनगुनिया या जैपनीज एंसेफलाइटिस। बताइए इनमें से कौन सी बीमारी है। वॉर नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज प्रोग्राम कवर्स फॉलोइंग डिजीज एक्सेप्ट, देख लेना शिवानी जी, थोड़ा ध्यान रखना, दोबारा से एक्सेप्ट आ चुका है, तो सोच समझ के आंसर देना।
चलिए चलिए आंसर दीजिए सभी लोग फटाफट से। बी आंसर आ रहा है मेरे पास लेप्रोसी। क्या लेप्रोसी राइट आंसर है इसका? क्या लेप्रोसी राइट आंसर है? चलिए कुछ लोग डी भी बोल रहे हैं, कुछ का आंसर ए भी आ रहा है। मलेरिया, लेप्रोसी, चिकनगुनिया या जैपनीज एंसेफलाइटिस, ठीक है ना? राइट आंसर क्या है इसका आपका? लेप्रोसी, ठीक है ना? राइट आंसर क्या है? लेप्रोसी। लेप्रोसी आपका इसके अंदर नहीं आता है। तो बी वाले सभी अपने लिए जोरदार तालियां बजवा लेना मेरी तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द काला आजार फीवर इज ट्रांसमिटेड टू द बाइट ऑफ डैगन फ्लाई, टेस्टीज फ्लाई, सैंड फ्लाई या ऑल ऑफ दीज। काला आजार फीवर ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट ऑफ, किसकी बाइट से ट्रांसमिट होगा काला आजार फीवर? ड्रैगन फ्लाई, टेस्टीज फ्लाई या सैंड फ्लाई या ऑल ऑफ दीज। चलिए आंसर दीजिएगा। टेस्टीज फ्लाई बोल रहे हैं आप लोग, टेस्टीज फ्लाई, टिस्सिस, टिस्सिस, ठीक है ना? चलिए अब सैंड फ्लाई हो गया आंसर। और बताइए, और दीजिए आंसर। बहुत बढ़िया, बी भी आ रहा है अभी भी मेरे पास, टिस्सिस फ्लाई। टिस्सिस होगा या सैंड होगा? तो राइट आंसर क्या है आपका? टिस्सिस। टिस्सिस राइट आंसर नहीं है, ठीक है ना? राइट आंसर क्या है आपका? सॉरी, सैंड फ्लाई। राइट आंसर क्या है? सैंड फ्लाई जो है आपका काला आजार फीवर को ट्रांसमिट करती है। अगला क्वेश्चन देखिए। ऑल ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शन आर कॉज्ड बाय आरएनए वायरस एक्सेप्ट पोलियोमायलाइटिस, मम्स, रूबेला या स्मॉल पॉक्स। ऑल ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शन आर कॉज्ड बाय आरएनए वायरस एक्सेप्ट। हाँ बिल्कुल, कॉल आ गया, कॉल को काट भी दिया मैंने। आगे का आंसर दीजिएगा, नेक्स्ट आंसर दीजिए क्वेश्चन का। चलिए, अरे हो गया सैंड फ्लाई। ऑल ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शन कॉज बाय आरएनए वायरस एक्सेप्ट। कंस मामा कहाँ चले गए यार, कमेंट नहीं आ रहा उनका, बहुत देर हो गई। खुशी जी सी बोल रही हैं, शिवानी जी ए बोल रही हैं, कुछ लोगों का आंसर डी भी आ रहा है। चलिए राइट आंसर क्या है इसका आपका? बहुत बढ़िया। चलिए राइट आंसर क्या है इसका? डी स्मॉल पॉक्स, ठीक है ना? राइट आंसर क्या आ रहा है इसका? डी स्मॉल पॉक्स। पोलियो वायरस भी कैसा होता है? आरएनए वायरस। मम्स के लिए आपका कौन सा होता है? वो रुबेला का, तो रुबेला वायरस होता है, रुबेला वायरस होता है। और मम्स का होता है शायद पैरामिक्सो वायरस, पैरामिक्सो होता है, मिक्सो वायरस होता है। कौन सा होता है? मिक्सो वायरस, ठीक है ना? मिक्सो वायरस होता है ये। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। काफ़ी लंबी क्लास है आज की। इन द फॉलोइंग विच डिजीज इज कॉज बाय वेरिसेला जूस्टर, डिफ्थीरिया, लेप्रोसी, सिम्फिलिस या चिकन पॉक्स। वेलिसेला जूस्टर की वजह से कौन सी डिजीज होती है? वेरिसेला जूस्टर की वजह से कौन सी डिजीज आपको देखने को मिलती है? हाँ बता दिया मैंने, मिक्सो वायरस होता है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। वेरिसेला जूस्टर सीधा सा आंसर है, बहुत बढ़िया। और राइट आंसर आपने दे भी दिया, सक्सेना जी, अमित जी और निशु जी। क्या है राइट आंसर? चिकन पॉक्स, ठीक है ना? जो आपकी चिकन पॉक्स है ये वेरिसेला जूस्टर की वजह से होती है। और देखिए आगे। द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पैकेज ऑफ मालाडी कंटेन्स 25 ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एंड 3 आयरन टैबलेट, 22 ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एंड 6 आयरन टैबलेट्स,
21 ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव एंड 7 आयरन टैबलेट्स, या फिर 20 ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एंड 8 आयरन टैबलेट्स, जो आपकी माला डी होती है, माला डी, पहनने वाली माला नहीं, माला डी दवाई का नाम है। बताइए, चलिए आंसर आ चुका है मेरे पास आप लोगों की तरफ से, और राइट आंसर भी क्या है इसका, आपका सी, 21 ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल एंड 7 आयरन टैबलेट्स। ठीक है ना, राइट आंसर क्या है, 21 ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एंड 7 आयरन टैबलेट्स। देखिए ये आपका इमेज आ गई, ये देख लीजिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 7, 7 × 14, 7 × 21, 21 तो आपकी क्या हो गई, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, ओसीपी। ठीक है ना, और ये लाइन से 7 क्या है आपकी, आयरन टैबलेट्स। ठीक है ना, कब चालू करोगे इसको, कब चालू की जाती है। चलिए राइट आंसर आप सभी ने बता दिया, सी, 21 ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव एंड 7 आयरन टैबलेट्स। अगला क्वेश्चन देखिए, सॉरी, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान वाज लॉन्च टू प्रोवाइड फिक्स डेज अश्योर्ड कॉम्प्रिहेंसिव एंड क्वालिटी एंटीनेटल केयर यूनिवर्सली टू ऑल प्रेग्नेंट वुमेन इन सेकेंड ट्राइमेस्टर, सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर या फर्स्ट एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर, बताइए। आज तबीयत भी थोड़ी सी ऐसी चल रही है, चलिए फिर भी आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान PMSMA वाज लॉन्च टू प्रोवाइड फिक्स्ड डे अश्योर्ड कॉम्प्रिहेंसिव एंड क्वालिटी एंटीनेटल केयर यूनिवर्सली टू ऑल प्रेग्नेंट वुमेन इन, चलिए बी आंसर आ रहा है मेरे पास आप लोगों की तरफ से, बी आंसर आ रहा है, और बताइए आंसर दीजिएगा। चलिए राइट आंसर क्या है इसका, डी नहीं है भैया, राइट आंसर क्या है, ना ए है, ना सी है, ना डी है, राइट आंसर क्या है, सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। ठीक है ना, देखिए जो आपका ये था ना PMSMA, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, इसकी कोई लॉन्च डेट तो नहीं है, लेकिन जो आपके मोदी जी है ना वड़ा वाऊ वाऊ, उन्होंने क्या किया था आपके 31 जुलाई 2016 को अपने मन की बात बोली थी, और मन की बात में उन्होंने इसका जिक्र किया था कि भाई हम ये नया प्रोग्राम चालू कर रहे हैं, बाकी इसकी कोई ऑफिशियल लॉन्च डेट अभी तक नहीं आई है। ठीक है ना, तो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान कब मान सकते हैं आप इसकी लॉन्च डेट, जब आपके वड़ा बाबू ने बोल दिया 31 जुलाई 2016 को, तो उनकी लिखी हुई बात को हम टाल ही नहीं सकते। ठीक है ना, PMSMA 31 जुलाई 2016, बाकी 2016 भी बोल सकते हैं आप, यदि डेट याद नहीं रखनी है तो 2016 भी बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाउ मैनी डिजीज आर कवर्ड अंडर नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6 या 7, बोलो 4, 5, 6 या 7, चलिए मेरा भी तुक्का, चलिए कोई बात नहीं, तुक्का सही लग गया काजल मौर्या जी का, 31 जुलाई है भैया, अगस्त नहीं है। ठीक है ना, जो आपकी ऑफिशियल उसकी वेबसाइट है ना, उस पे से देखा गया है ये आंसर,
ऑफिशियल वेबसाइट से उठाया गया है तो वहां पे तो गलत डाल ही नहीं सकते हो, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल राइट आंसर क्या है, अभी पीछे पीछे पूछा गया है, एन एन वी डी सी पी, ठीक है ना, अभी पीछे ही पूछा था मैंने। और इसमें डिजीज कौन कौन सी होती है आपकी, मलेरिया एक तो होती है, मलेरिया एक होती है, डेंगू ठीक है ना, एक डेंगू, एक आपकी चिकनगुनिया, चिकन गुनिया, और कौन सी होती है, मलेरिया डेंगू चिकनगुनिया जैपनीज एंसेफलाइटिस लिम्फेटिक फेलियरियासिस और काला आजार, काला आजार लिम्फेटिक फिलेरियासिस, फिलेरी एसिस और जैपनीज एंसेफलाइटिस, जैपनीज एंसेफलाइटिस, अरे इसको जैपनीज एंसेफलाइटिस को आप लोग दिमाग का बुखार भी कह सकते हैं, ठीक है ना। मलेरिया डेंगू चिकनगुनिया कालाजार लिम्फेटिक फिलेरियासिस और जैपनीज एंसेफलाइटिस, यही वो जैपनीज एंसेफलाइटिस है जो दिमागी बुखार को कॉज करवाता है, ठीक है ना। ये आपकी एनवीडीसीपी के अंदर इंक्लूड की गई डिजीजेज है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, मिशन परिवार विकास इज एन इनिशिएटिव डायरेक्टेड टू प्रमोट एंटीनेटल केयर, प्रमोट ब्रेस्ट फीडिंग, प्रमोट फैमिली प्लानिंग या प्रमोट सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस। मिशन परिवार विकास, प्रमोट एंटीनेटल केयर, प्रमोट ब्रेस्ट फीडिंग, प्रमोट फैमिली प्लानिंग या प्रमोट सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, आंसर दीजिएगा चलिए सभी फटाफट से। हमारे मन की बात हमारे घर वाले नहीं सुनते तो मेरे को सुना दो भाई, और तो मैं क्या करूं, इससे ज्यादा मैं कुछ बोल भी नहीं सकता आपको। चलिए सी आ रहा है, बहुत बढ़िया, और राइट आंसर भी क्या है इसका आपका, प्रमोट फैमिली प्लानिंग, मिशन परिवार विकास। कब लॉन्च किया गया था यह आपका, 11 जुलाई 2017 को, ठीक है ना, 11 जुलाई 2017 को। और 11 जुलाई को क्या होता है आपका, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, ठीक है ना, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है, 11 जुलाई 2017 को, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या था इसका, प्रमोट फैमिली प्लानिंग, 11 जुलाई 2017 को लॉन्च हुआ था और इसी दिन आपका वर्ल्ड पॉपुलेशन डे भी मनाया जाता है। आगे देखिए, इंपेयरमेंट ऑफ हार्ट फंक्शन ड्यू टू इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो टू द हार्ट कंपेयर टू इट्स नीड कॉज बाय ऑब्स्ट्रक्टिव चेंजेस इन द कोरोनरी सर्कुलेशन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड हार्ट फेलियर, कोरोनरी हार्ट डिजीज, निमोनिया या पल्मोनरी फेलियर। एम्स बना दिया भाई इसने तो, सीएचओ को एम्स बना के ही छोड़ेगा अब तो ये, कि बोले जब तक इसको एम्स नहीं बनाऊंगा तब तक मेरे को चैन नहीं आएगा, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, आए हाय ये क्या हो गया, न जाने कहाँ हमारा सीएचओ का पेपर खो गया। तो सीएचओ का पेपर खोया नहीं है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है और राइट आंसर देना है। चलिए कमेंट कीजिएगा, कुछ लोग बोल रहे हैं ए, कुछ लोग बोल रहे हैं बी, कुछ लोग बोल रहे हैं डी, आंसर दीजिए। इंपेयरमेंट ऑफ हार्ट फंक्शन ड्यू टू इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो टू द हार्ट कंपेयर टू इट्स नीड्स कॉज बाय ऑब्स्ट्रक्टिव चेंजेस इन द कोरोनरी सर्कुलेशन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड। चलिए राइट आंसर क्या है इसका आपका, बिल्कुल जिन्होंने भी बी बोला है, कोरोनरी हार्ट डिजीज। अरे पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, सिर्फ इतना सा पढ़ लेते, ऑब्स्ट्रक्टिव चेंज इन द कोरोनरी सर्कुलेशन। अरे कोरोनरी आर्टरी का यदि ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो किस में होता है, कोरोनरी हार्ट डिजीज में, ठीक है ना। सीधी सी बात है, कोरोनरी आर्टरी और कोरोनरी हार्ट डिजीज, ज्यादा दिमाग लगाने की तो जरूरत ही नहीं थी, ना ए पे जाते ना बी सी पे जाते ना डी पे,
न्यूमोनिया और पल्मोनरी फेलियर तो आपकी हार्ट की डिजीज ही नहीं है, तो इतना सोचने की जरूरत ही नहीं थी। राइट आंसर क्या है? बी, कोरोनरी हार्ट डिजीज। ठीक है ना, चलिए आगे देखिए। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी वायरस एक्सेप्ट सेक्सुअल ट्रांसमिशन, ब्लड कॉन्टैक्ट, फोमाइट ट्रांसमिशन या मैटरनल फीटल ट्रांसमिशन। सीधा सा क्वेश्चन, सीधा सा आंसर, आंसर दीजिएगा। बिल्कुल दिव्या नायर जी आज फुल फॉर्म में, बोले सर आज तो मैं सीएचओ में सिलेक्शन लेके ही मानूंगी। अतुल कुमार जी 20% आरक्षण है, जाने से पहले 10 बार सोच लेना कि क्वालिफाई भी कर पाओगे नहीं कर पाओगे, ठीक है ना, और कर जाओ तो बहुत बढ़िया है। चलिए राइट आंसर क्या है आपका? फोमाइट ट्रांसमिशन। ठीक है ना, फोमाइट ट्रांसमिशन से एचआईवी नहीं फैलेगा, सेक्सुअल से भी फैलेगा, ब्लड से भी फैलेगा और मैटरनल फीटल ट्रांसमिशन भी होगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। द की एक्टिविटीज अंडर मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम आर सेफ डिस्पोजल ऑफ सैनिटरी नैपकिन, सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ सैनिटरी नैपकिन, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैनिटरी नैपकिन या ऑल ऑफ दीज। बताइएगा की एक्टिविटीज अंडर मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम, जो आपकी मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम है उसके अंतर्गत की एक्टिविटीज आपकी कौन कौन सी है? मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम कब लॉन्च हुई थी ये आपकी? सन 2011 में लॉन्च हुई थी, सन 2011 में। अब बताइएगा, चलिए कुछ लोग बोल रहे हैं ए, कुछ लोग बोल रहे हैं डी, और राइट आंसर इसका क्या है आपका? डी, ऑल ऑफ दी अबव। सेफ डिस्पोजल ऑफ सैनिटरी नैपकिन भी होता है, सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ सैनिटरी नैपकिन यानी कि सैनिटरी नैपकिन अवेलेबल करवाना, ठीक है ना, और स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैनिटरी नैपकिन भी इसके अंतर्गत आता है। ये मेनली आपका बनाया गया था 10 to 19 ईयर एडोलसेंट गर्ल, ठीक है ना, उनके लिए बनाया गया था ये, और इसके अंतर्गत फ्री डेज के नाम से, किसके नाम से? फ्री डेज के नाम से आपका सैनिटरी नैपकिन का पैकेट आता है, सैनिटरी नैपकिन का पैकेट आता है फ्री डेज के नाम से, और इसके अंदर कितने होते हैं? 6 सैनिटरी नैपकिन होते हैं। कितने होते हैं? 6 सैनिटरी नैपकिन, और ये फ्री नहीं है भैया, इसका कितने रुपए का मिलता है? 6 रुपए का, ठीक है ना, 6 रुपए का एक पैकेट मिलता है, और एक यानी कि एक पैड कितने का मिला आपको? 1 रुपए का, ठीक है ना। तो देख लो गवर्नमेंट कितनी बढ़िया बढ़िया स्कीम लाती है, लेकिन वही बड़ी बात है कि बोले हम तो पहले भी गधे घोड़े चराते थे तो आज भी गधे घोड़े ही चराएंगे, ठीक है ना। कुछ लोग होते हैं जो आगे नहीं बढ़ना चाहते, अब गवर्नमेंट तो बढ़ाना चाहती है, अब आप भी तो आगे बढ़ो तभी तो आपको फायदा होगा, ठीक है ना। तो फ्री डेज के नाम से सैनिटरी नैपकिन 6 पैकेट आते हैं एक पैकेट के अंदर 6 नैपकिन आते हैं, और एक पैकेट कितने रुपए का है? 6 रुपए का। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। आइडेंटिफाई दिस इंस्ट्रूमेंट, सीधा सा इंस्ट्रूमेंट है और सीधा सा आंसर है, ज्यादा रुकने की जरूरत ही नहीं है, मेरे को नहीं लगता कोई भी इसका गलत आंसर देगा। चलिएगा कमेंट कीजिएगा फटाफट से, चलिए इंस्ट्रूमेंट को आइडेंटिफाई कीजिएगा, इंस्ट्रूमेंट को आइडेंटिफाई कर लीजिए, और सीधा सा आंसर है बिल्कुल, ये कंपनियां ही तो खा गई देश को, नहीं तो गवर्नमेंट तो बहुत कुछ करना चाहती है। चलिए राइट आंसर क्या है इसका? लंबर पंचर निडल, ठीक है ना, कई बार पूछ चुका हूं मैं क्लास में। आगे देखिए, प्रायोरिटी इंटरवेंशन अंडर एडोलसेंट हेल्थ प्रोग्राम आर आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स या ऑल ऑफ दीज।
जो आपका अडोलसेंट हेल्थ प्रोग्राम है उसके अंतर्गत क्या क्या किया जाता है, आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन दिया जाता है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन दी जाती है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप दिए जाते हैं या ऑल ऑफ दीज दिए जाते हैं। एडोलसेंट हेल्थ प्रोग्राम चलिएगा। हो गया पिछला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया विनेश जी, प्रिंस जी, सभी लोगों का आंसर सही है, ऑल ऑफ दी दीज, ठीक है ना। जो आपका एडोलसेंट हेल्थ प्रोग्राम है ये आपका लॉन्च हुआ था अंडर RKSK राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम 2014 के अंदर, ठीक है ना। 2014 में राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम आया था उसके अंतर्गत ही आपका लॉन्च किया गया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, वैक्सीन टू कंट्रोल डायरिया इज न्यूमोकोकल, रोटावायरस, साल्क या HIV। वैक्सीन टू कंट्रोल डायरिया, कौन सी वैक्सीन है जो डायरिया को कंट्रोल करती है, आंसर दे दीजिए फटाफट से चलिएगा। कौन सी वैक्सीन डायरिया को कंट्रोल करती है, न्यूमोकोकल, रोटावायरस, साल्क या HIV। में हुआ था RKSK, ठीक है ना, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। चलिए इसका भी राइट आंसर दे दिया आपने, क्या, रोटा वायरस। रोटा वायरस की जो वैक्सीन है, ठीक है ना, ओरली पिलाई जाती है, उससे आप डायरिया को कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बी की झड़ी लगा दिया आप लोगों ने, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन द डायरिया लास्ट फॉर मोर देन 14 डेज इट इज कॉल्ड डिसेंट्री, अक्यूट वाटरली डायरिया, परसिस्टेंट डायरिया या ऑल ऑफ दीज। यदि डायरिया आपका क्या है 14 दिन से ज्यादा चल रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, डिसेंट्री, अक्यूट वाटरली डायरिया, परसिस्टेंट या ऑल ऑफ दीज। चलिए बहुत बढ़िया, इसका भी सही आंसर दे दिया सभी लोगों ने, ठीक है ना। और राइट आंसर क्या है आपका, परसिस्टेंट डायरिया, ना कि ऑल ऑफ दीज। राइट आंसर क्या है, यदि डायरिया 14 दिन से ज्यादा चल रहा है आपका, 14 दिन से ज्यादा चल रहा है तो उसको परसिस्टेंट डायरिया आप कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ए प्रोटोजोअल डिजीज कॉज बाय इन्फेक्शन विद पैरासाइट ऑफ द जेनस प्लाज्मोडियम इज, टाइफॉइड, मलेरिया, डेंगू या ड्रैक्यूनिक्यूलेलिस। ड्रैकुला जैसा नाम होगा, ड्रैक्यूनिक्यूलेलिस। बोला अभी ड्रैकुला निकल के आएगा और घुस जाएगा आप लोगों में। चलिए आंसर दीजिएगा, प्रोटोजोअल डिजीज कॉज ड्यू बाय इन्फेक्शन बाय विद पैरासाइट ऑफ द जीनस प्लाज्मोडियम इज, बिल्कुल राइट आंसर आ गया आपका, क्या, मलेरिया। राइट आंसर क्या है, अरे प्लाज्मोडियम किसके में होता है आपके, मलेरिया के अंदर ही तो होता है ना, और मलेरिया क्या है आपकी, एक प्रोटोजोअल डिजीज है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शन आर ट्रांसमिटेड थ्रू द एक्सपोजर टू इन्फेक्शन ब्लड आर ऑल एक्सेप्ट हेपेटाइटिस बी, सी, HIV या हेपेटाइटिस ई। All of the following infections are transmitted through exposure to infectious blood are all except hepatitis B, hepatitis C, HIV या hepatitis E। आंसर दीजिए A, B, C और D, चार ऑप्शन है आप लोगों के सामने। चलिए
25 अप्रैल मलेरिया डे। लो एक और क्वेश्चन आ गया आप लोगों के लिए, मलेरिया डे कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को, ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है मेरे पास क्या रहा है? बिल्कुल आप सभी का आंसर सही है, हेपेटाइटिस ई, ठीक है ना। राइट आंसर क्या है इसका आपका? हेपेटाइटिस ई है, ठीक है। चलिएगा, पहले भी मैं आप लोगों को टेक्निक बता चुका हूं कि हेपेटाइटिस लिखिए और उसके आगे ए बी सी डी और ई डाल दीजिए। ए और ई होते हैं आपके किससे? फीको ओरल से, फीको ओरल से, ठीक है ना। और बाकी सारे आपके क्या है? ब्लड, ठीक है ना। ब्लड ब्लड और ब्लड, खून खून और सिर्फ खून, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। द वायरस दैट कॉज डेंगू इज एर्बो वायरस, फ्लैवी वायरस, रेट्रो वायरस या डीएनए वायरस? आंसर दे दीजिएगा, आंसर दे दीजिए सभी लोग। द वायरस विच कॉज, द वायरस विच कॉज क्या आपका? डेंगू, अर्बो, फ्लैवी, रेट्रो या डीएनए वायरस? अर्बो, फ्लैवी, रेट्रो या डीएनए वायरस? चलिए अर्बो वायरस आ रहा है मेरे पास, अर्बो वायरस आ रहा है मेरे पास, आंसर आंसर दीजिएगा ए अर्बो वायरस। अरे आप लोगों को सही में नहीं पता क्या डेंगू का कौन सा वायरस हो सकता है? या चला के आंसर दे रहे हो? चलिए कुछ एक लोगों का आंसर आया मेरे पास बी, ठीक है ना। अमित जी का भी आंसर ए आ रहा है, कुछ लोगों का आंसर बी आ रहा है। और राइट आंसर क्या है आपका? फ्लैवी वायरस, ठीक है ना। जो डेंगू को कौन कॉज करवाता है आपका? फ्लैवी वायरस कॉज करवाता है, ठीक है ना। राइट आंसर क्या है आपका? फ्लैवी वायरस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर ऑफ हाइपरटेंशन आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट सॉल्ट इनटेक, ओबेसिटी, अल्कोहल या जेनेटिक फैक्टर। मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर ऑफ हाइपरटेंशन आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, बताइए। सॉल्ट इनटेक, ओबेसिटी, अल्कोहल या जेनेटिक फैक्टर? चलिएगा, राइट आंसर क्या है? बहुत बढ़िया, जूली वर्मा जी बोल रही हैं सर डी होगा, और कुछ लोगों का अभी भी बी पे लगे हुए हैं पिछले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो, बहुत बढ़िया। राइट आंसर क्या है आपका? डी, जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। सॉल्ट कम ज़्यादा खा लोगे, ओबेसिटी हो जाएगी तो दौड़ भाग के कम कर लोगे, और पीना पीना पीते हो तो पीना तो कोई छोड़ ही नहीं सकता, ठीक है ना। मैं तो मानता हूँ कि अल्कोहल को भी नॉन मॉडिफिएबल में मानना चाहिए भैया, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। गवर्नमेंट लॉन्च एनसी एनपीसीडीसीएस प्रोग्राम टू टारगेट कैंसर, कार्डियक डिजीज, डायबिटीज या ऑल ऑफ दीज। एनसी एनपीसीडीसीएस प्रोग्राम, एनपीसीडीसीएस प्रोग्राम लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा किसके लिए? सॉरी। चलिए राइट आंसर क्या है? सॉरी
ऑल ऑफ दीज। राइट आंसर क्या है इसका आपका, ऑल ऑफ दीज क्या होता है, एनपी मतलब नेशनल प्रोग्राम, सी फॉर कैंसर, डी फॉर डायबिटीज, दोबारा सी फॉर कार्डियक डिजीज और एस फॉर शॉक। ठीक है ना, ये आपका NPCDCS की फुल फॉर्म है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। ए ग्रुप ऑफ डिजीज कैरेक्टराइज बाय एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स कैपेबल ऑफ इन्वेडिंग द एडजेसेंट टिश्यू एंड इवन डिस्टेंट ऑर्गन इज कॉल्ड हाइपरटेंशन, कैंसर, कोरोनरी आर्टरी डिजीज या डायबिटीज मलाइटस। चलिए आंसर दीजिएगा, छोटा सा क्वेश्चन और छोटा सा आंसर, या बड़ा सा क्वेश्चन और छोटा सा आंसर। बिल्कुल दो घूंट क्या, हम तो खेच जाएंगे पूरी की पूरी, भेजने वाला चाहिए कोई। अब देखो भाई आप में से कौन भेजता है, मनीष जी भेजते हैं या और कोई भेजता है। चलिएगा बिल्कुल राइट आंसर क्या है आपका, बी कैंसर। ठीक है ना, राइट आंसर क्या है, बी कैंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कैंसर दैट हैज स्प्रेड टू रीजनल लिम्फ नोड एंड डिस्टेंट ऑर्गन इज कॉल्ड प्राइमरी ट्यूमर, सेकेंडरी ट्यूमर, लिम्फोमा या ल्यूकेमिया। चलिए कंस मामा जी का भी आंसर बी था पिछले क्वेश्चन का, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। कैंसर दैट हैज स्प्रेड टू रीजनल लिम्फ नोड, क्या बोलेंगे उसको, लिम्फोमा, सेकेंडरी ट्यूमर, प्राइमरी ट्यूमर या ल्यूकेमिया। देखिए जो आपका प्राइमरी ट्यूमर है ना, वो रहता है लिमिटेड टू ऑर्गन, लिमिटेड टू ऑर्गन। सेकेंडरी ट्यूमर जो होता है वो आपका फैल जाता है लिम्फ नोड्स तक, कहाँ पहुंच जाता है आपका, लिम्फ नोड्स तक। ठीक है ना, मेटास्टेसिस होके। और टर्शरी जो होता है, टर्शरी, ठीक है ना, तो वो पहुंचता है आपके रीजनल ऑर्गन पे, रीजनल ऑर्गन पे। ठीक है ना, जो आसपास के ऑर्गन है उनमें फैलेगा, जबकि आपका जो फोर्थ है, चौथा वाला है, ठीक है ना, फोर्थ वाला, आपका जो फोर्थ लेवल का होता है वो पहुंच जाता है आपका डिस्टेंट ऑर्गन पे। ठीक है ना, तो ध्यान रखना इसको, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना कि आपका प्राइमरी सिर्फ लिमिटेड टू लोकल ऑर्गन, सेकेंडरी आसपास के लिम्फ नोड में फैलेगा, टर्शरी में आसपास के जो रीजनल ऑर्गन है वहां तक पहुंच जाएगा, जबकि फोर्थ में आपका कहां पहुंच जाएगा, कोई दूर ऑर्गन सिचुएटेड होगा, आंख में ट्यूमर हुआ है और वो पता कहां पे चल रहा है, आपके रेक्टम में, कि बोले रेक्टम तक पहुंच गया, तो ये आपका क्या हो गया, फोर्थ डिग्री वाला। तो राइट आंसर क्या आता है इसका, सेकेंडरी ट्यूमर। ठीक है ना, राइट आंसर क्या था, सेकेंडरी ट्यूमर। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिए, पिछले क्वेश्चन में देखो इसने थोड़ा सा क्वेश्चन गलत दिया था, यहां पे इसने डिस्टेंट ऑर्गन भी डाल दिया, लेकिन प्राइमरली इसने आपसे लिम्फ नोड पूछा है, इस वजह से इसका आंसर आपका सेकेंडरी ट्यूमर जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखिए, द एडवर्स इफेक्ट ऑफ ओबेसिटी आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट हाइपरलिपिडीमिया, ग्लूकोज इंटॉलरेंस, हाइपोटेंशन या कोरोनरी हार्ट डिजीज। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि आपकी जो ओबेसिटी है उसमें कभी भी हाइपोटेंशन नहीं होता है, इसकी जगह क्या होगा आपका, हाइपरटेंशन, STN। ठीक है ना, तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, सी हाइपोटेंशन। राइट आंसर क्या है इसका, सी हाइपोटेंशन। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिए,
जीरोस्थैल्मिया कैन बी कंट्रोल्ड बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन, विटामिन डी, विटामिन बी सिक्स, विटामिन ए या विटामिन ई? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा फटाफट से. जीरोफ्थैल्मिया कैन बी कंट्रोल्ड बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन. और राइट आंसर क्या है इसका आपका? बिल्कुल विटामिन ए इसका आपका राइट आंसर है. विटामिन ए को एडमिनिस्टर करके आप जीरोफ्थैल्मिया को प्रिवेंट कर सकते हैं. ठीक है ना, राइट आंसर सी था. अगला क्वेश्चन देखिए. फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू दैट अटैच टू बोन एंड जॉइंट इज कॉल्ड कार्टिलेज, टेंडन, नर्व्स या मसल्स. कार्टिलेज, टेंडन, नर्व्स या मसल्स. फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू दैट इज अटैच टू बोन एंड जॉइंट इज कॉल्ड. चलिए आंसर आ गया. के जी ने बोल दिया और बाकी सभी ने बोल दिया, स्वाति जी ने कार्टिलेज. तो आपका राइट आंसर भी क्या जाएगा इसका? कार्टिलेज. ठीक है ना, राइट आंसर क्या है? कार्टिलेज को बोला जाता है जब वो बोन को किससे जोड़ता है, किसी जॉइंट से, तो उसको कार्टिलेज बोला जाता है. अगला क्वेश्चन देखिएगा. A woman is diagnosed to have severe anemia when the hemoglobin level is below 7 gram per dl, 10 gram per dl, 11 gram या 12 gram. A woman diagnosed to severe anemia. कब डायग्नोस होता है सीवियर एनीमिया उसको? जब 7 ग्राम पर डीएल से कम जाएगा, 8 ग्राम पर डीएल, 10 ग्राम से, 11 ग्राम से या 12 ग्राम से. चलिए बिल्कुल अमित जी ने बोल दिया जब 7 ग्राम, तो राइट आंसर भी आपका क्या जाएगा? 7 ग्राम पर डीएल. ठीक है ना, राइट आंसर इसका क्या है? बिलो 7 ग्राम आपका क्या कहलाता है? सीवियर एनीमिया. तीन तरह का होता है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर. माइल्ड होता है आपका कितना? 10 से 12 माइल्ड. ठीक है ना, और 8 से 10 आपका मॉडरेट. सात से दस आपको मॉडरेट, और लेस देन 7 आपका सीवियर. और ये आपको किसके द्वारा दिए गए हैं? WHO के द्वारा. ठीक है ना, 10 से 12, 7 से 10 और बिलो 7. अगला क्वेश्चन देखिएगा. द डायग्नोसिस ऑफ पेशेंट असाइन टू द नर्स इज राइट साइड हर्ट फेलियर. विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ए नर्स कैन एक्सपेक्ट बाई असेसिंग? पेरिफेरल एडिमा, डिक्रीज यूरिनरी आउटपुट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ या सीजर एक्टिविटी. चलिए आंसर दीजिएगा कि आपने डायग्नोसिस किया है एक पेशेंट का जो कि उसको क्या है, राइट साइडेड हार्ट फेलियर, तो उसमें क्या देखने को मिल सकता है आपको? पेरिफेरल एडिमा, डिक्रीज यूरिनरी आउटपुट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ या सीजर एक्टिविटी. और इसका राइट आंसर क्या है आपका? राइट आंसर क्या है? बुक को मत देखिए भैया, WHO को देखिए. WHO ने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर है, उसको कोई नहीं मिटा सकता. और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है आपका? पेरिफेरल एडिमा. अरे जब राइट साइड के हार्ट में फेलियर होगा तो आपका पूरी बॉडी से ब्लड प्रॉपर आएगा नहीं उसके अंदर, और बॉडी से ब्लड नहीं आएगा तो क्या करेगा आपका? पेरिफेरल एडिमा कॉज करवाएगा. अगला क्वेश्चन देखिएगा. While providing health education in community on preventive of osteoporosis, the nurse should emphasize on eliminate smoking, minimize sun exposure, restricting sodium intake या restricting exercise. आप osteoporosis के ऊपर आप क्या कर रहे हैं? आप health education दे रहे हैं community के अंदर, तो आपका जोर किस चीज पे होना चाहिए? जो मेन जोर है वो किस चीज पे होना चाहिए आपका?
एलिमिनेट स्मोकिंग, मिनिमाइज सन एक्सपोजर, रिस्ट्रेटिंग सोडियम इनटेक या रेस्ट्रिक्टिंग एक्सरसाइज। चलिए अमित जी बोल रहे हैं ए, सौम्यक ए बोल रहे हैं, के भैया भी ए बोल रहे हैं, रिंकी यादव जी बी बोल रही है। राइट आंसर क्या है इसका आपका, एलिमिनेट स्मोकिंग, ठीक है ना। जो स्मोकिंग है, यदि कोई ऑस्टियोपोरोसिस का पेशेंट स्मोकिंग करता है तो उसको और भी ज़्यादा चांसेस रहते हैं किस चीज़ के, आपके क्या होने के, ऑस्टियोपोरोसिस के, फ्रेजाइल होने के, ठीक है ना। एक्सरसाइज नहीं होगा, एलिमिनेट स्मोकिंग होगा राइट आंसर। और देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अर्ली फाइंडिंग ए नर्स शुड एक्सपेक्ट टू ऑब्जर्व इफ ए पेशेंट वर टू डेवलप थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस फॉलोइंग एंड इंट्रावीनस इन्फ्यूजन। मोटलिंग एंड कूलनेस, रिदमा एंड हीट, लीकेज ऑफ फ्लूइड एंड नमनेस या पेलर एंड स्वेलिंग। आंसर दीजिए। Following an early finding, a nurse should expect to observe if a patient were to develop thrombophlebitis following an intravenous infection. कोई बात नहीं, गलत हो रहा है तो एग्जाम में सही करके आना निशा सिंह जी, बिल्कुल एग्जाम में गलत मत करके आना यदि इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो। चलिए बहुत बढ़िया, राइट आंसर सभी ने बता दिया। क्या है इसका, इरिदिमा एंड हीट। राइट आंसर क्या है, इरिदिमा एंड हीट। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन ए चाइल्ड इज इन अक्यूट फेज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम विच ऑफ द फॉलोइंग इज असेंशियल मेजर टू नर्स शुड टेक। यूरिन डिपस्टिक टू बी डन एवरी आवर, मीजर द एब्डोमिनल गर्थ एवरी टू आवर, चेक द हेमाटोक्रेट वैल्यू एवरी 12 आवर या वेट द चाइल्ड डेली। यदि किसी चाइल्ड को अक्यूट फेज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम में है तो क्या करना चाहिए आपको, तो आपको क्या करना चाहिए बताइए। अक्यूट फेज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम, तो क्या करना है आपको, ए आंसर आ रहा है मेरे पास। चलिए कुछ लोग डी भी बोल रहे हैं, दिव्या जी सी बोल रही है। राइट आंसर इसका क्या है आप लोगों के लिए, वेट द चाइल्ड डेली। हमेशा ध्यान रखना, नेफ्रोटिक सिंड्रोम यदि किसी पेशेंट को है तो हमेशा डेली उसका वेट चेक आपको करना है, ठीक है ना। डेली आपको क्या करना है, उसका वेट चेक करना है। आगे देखिएगा, 5-year-old चाइल्ड is admitted in hospital, best nursing action for parent who are displaying anger and guilt is give personal example that are similar to their situation, distract their attention to something less painful या explain the danger of excess anxiety and guilt या anticipate their emotional response and acknowledge them. 5-year-old बच्चा है, हॉस्पिटल में एडमिट है और माता पिता क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं आपसे, तो आप क्या करोगे बताइए। चारों ऑप्शन आपके सामने है, ए बी और सी और डी। राइट आंसर क्या होगा ये आपको डिसाइड करना है अब। राइट आंसर क्या होगा ये आपको डिसाइड करना है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या है, डी, एंटिसिपेट देयर इमोशनल रेस्पॉन्स एंड एक्नोलेज देम, ठीक है ना। आगे देखिएगा, द स्टेट इन विच कोणार्क टेम्पल इज प्रेजेंट, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, नागालैंड या असम। तो ये आपका जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर है आपका ओडिशा। कोणार्क टेम्पल कहाँ है आपका, ओडिशा के अंदर उपस्थित है, ठीक है ना। आगे देखिए, द स्टडी ऑफ एटमोस्फेयर इज कॉल्ड जियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी या सेसिमोलॉजी। ये भी जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है लेकिन इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना।
आज तो डी का डे है, चलिए कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर, स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर, राइट आंसर क्या है इसका आपका, बिल्कुल मेट्रोलॉजी, ठीक है ना, राइट आंसर क्या है आपका, मेट्रोलॉजी। आगे देखिए, विच इज द मोस्ट पॉपुलर क्लासिकल डांस फ्रॉम तमिलनाडु, भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी या मोहिनीअट्टम, तो भरतनाट्यम है इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर क्या है आपका, भरतनाट्यम। आगे देखिएगा, डायबिटीज मेलाइटस इज यूजुअली रिकॉग्नाइज बाय एल्बुमिनिया, हाई एसजीपीटी, ग्लाइकोस यूरिया या यूरिया इन यूरिन, डायबिटीज मेलाइटस यूजुअली रिकॉग्नाइज बाय एल्बुमिन यूरिया, हाई एसजीपीटी, ग्लाइकोस यूरिया या यूरिया इन यूरिन। चलिए बहुत बढ़िया, पूनम जी ने आंसर दे दिया है, और राइट आंसर क्या है इसका, राइट आंसर क्या है, बिल्कुल सी, ग्लाइकोस यूरिया, यूरिन के अंदर यदि ग्लूकोज प्रेजेंट है तो डायबिटीज मेलाइटस इंडिकेट करता है। विल्सन डिजीज इज कैरेक्टराइज बाय रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी, एक्यूमुलेशन ऑफ कॉपर इन लिवर, किडनी एंड ब्रेन या इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन या नन ऑफ दीज, तो आपकी जो विल्सन डिजीज है ना, ये आपकी जेनेटिक डिसऑर्डर है, कैसा डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है ना, और ये किस वजह से होता है आपका, एक्यूमुलेशन ऑफ कॉपर इन लिवर, किडनी एंड ब्रेन, जिसमें से भी मेन होता है लिवर एंड ब्रेन, यदि आपका कॉपर लिवर और ब्रेन के अंदर क्या हो जाए, एक्यूमुलेट हो जाए, तो आपका क्या हो जाता है, आपको विल्सन डिजीज देखने को मिल सकती है, ठीक है ना। आगे देखिएगा, विच इज द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कैंसर, ग्लोकोमा, ल्यूकेमिया, कार्सिनोमा या सार्कोमा, तो देखिए जो आपकी, चलिए इस बार इसका आंसर आने दीजिए, आप लोग इसका आंसर आने दीजिए, आप लोगों को क्या समझ में आता है थोड़ा सा, कौन सी डिजीज कैंसर नहीं है, ग्लोकोमा, ल्यूकेमिया, कार्सिनोमा या सार्कोमा, कमेंट कीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। चलिए बिल्कुल राइट आंसर क्या है आपका, ग्लोकोमा, ये आई डिसऑर्डर है, ठीक है ना, कैंसर की डिजीज नहीं है। और देखिए, द गोल ऑफ नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन इन इंडिया इज बाय 2024, 2025, 2027 या 2030, तो आपने क्या है, नेशनल मलेरिया एलिमिनेशन आपको कब तक करना है, सन 2030 तक करना है, ठीक है ना, सन 2030 तक आपको मलेरिया को इस देश से एलिमिनेट करना है, लेकिन मेरे को नहीं लगता हो जाएगा, और हो जाए तो बढ़िया है। द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम दैट एम टू रिड्यूस मैटरनल मॉर्टलिटी अमंग प्रेगनेंट वुमेन बाय एनकरेजिंग देम टू डिलीवर गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज इज कॉल्ड जननी सुरक्षा योजना, नवजात शिशु कार्यक्रम, रोगी कल्याण कार्य समिति या नन ऑफ दीज, तो आप सभी लोगों को पता होगा कि गवर्नमेंट पैसे देती है ना, किस स्कीम के तहत देती है, जो गवर्नमेंट पैसे बांट रही है वो किस स्कीम के तहत बांट रही है, आपकी कौन सी स्कीम के तहत बांट रही है, भाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में यदि आपकी डिलीवरी होती है तो पैसे मिलते हैं ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाने के, तो राइट आंसर क्या है इसका आपका, बिल्कुल ए, जननी सुरक्षा योजना, राइट आंसर क्या है, जननी सुरक्षा योजना। आगे देखिएगा, नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग लॉन्च ऑफिशियली इन द ईयर 51, 52, 56 या 2008, तो कब लॉन्च हुआ था आपका, 1952 के अंदर, ठीक है ना, नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1952 के अंदर लॉन्च किया गया था। आगे देखिए, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम इंक्लूड आईईसी एक्टिविटीज, एड्स एजुकेशन, यूनिवर्सिटी टॉक एड्स प्रोग्राम या ऑल ऑफ दीज, चलिए
सौ क्वेश्चन होने वाले हैं भैया, पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन कराएंगे, एक भी कम नहीं छोड़ेंगे आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम इंक्लूड, क्या इंक्लूड करता है? अरे भैया हमको भी घर जाना है, ठीक है ना? बिल्कुल राइट आंसर क्या है इसका, डी ऑल ऑफ दीज। और ये जो लास्ट में आपके क्वेश्चन है ये इतने ज्यादा कुछ आपके खास भी नहीं है, ठीक है ना? जल्दी जल्दी आप इसका आंसर देख सकते हैं। आगे देखिए, द WHO विजन 2020 प्रोग्राम द सेफ स्ट्रेटेजी अडॉप्टेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, ट्रैकोमा, ग्लोकोमा, डायबिटिक रेटिनोपैथी या ओंकोसीरियासिस। WHO का जो विजन 2020 प्रोग्राम है उसके तहत सेफ स्ट्रेटेजी कौन सी डिजीज के लिए यूज में ली जाती है, ट्रैकोमा, ग्लोकोमा, डायबिटिक रेटिनोपैथी या ओंकोसीरियासिस। चलिएगा, इसका राइट आंसर क्या है आपका, राइट आंसर क्या है इसका? बिल्कुल सक्सेना जी और सौम्य पंडित जी ने बता दिया, निशु खान जी ने भी बता दिया, राइट आंसर क्या है, ट्रैकोमा, ठीक है ना? राइट आंसर क्या है इसका आपका, ट्रैकोमा, ठीक है ना? चलिए 99वां क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी एलिफेंट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड, बेंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता या जयपुर। हाथी महोत्सव कौन से शहर में मनाया जाता है, देखना चाहता हूं मैं इसका आंसर, किसी को पता है या नहीं पता? हाथी महोत्सव कौन से शहर में मनाया जाता है? चलिए बेंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता या जयपुर, आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का। अरे बिल्कुल आज हमारी तबीयत खराब है फिर भी आपकी क्लास ले रहे हैं राणा जी। चलिए राइट आंसर क्या है इसका, बिल्कुल क्या है, डी जयपुर। जयपुर शहर में हमारा जो जयपुर शहर है, जिस शहर में हम रहते हैं गुलाबी नगरी, उसके अंदर आपका हाथी महोत्सव मनाया जाता है या एलिफेंट फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है ना? चलिए और इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे आपका शतक पूरा हुआ, ठीक है ना? बताइए इंटरनेशनल योगा डे, और किसी को आंसर देने की जरूरत ही नहीं है, क्या है, जून 21, 21 जून को आपका क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल योगा डे। तो सभी जोरदार तालियां बजा दीजिए, मेरे पास हेलमेट नहीं है, नहीं तो मैं हेलमेट उतार के इस तरह से करता, ठीक है ना? हेलमेट उतार के मैं इस तरह से लहराता मेरे पेन को, बैट्समैन बैट हिलाता है, हम पेन हिलाएंगे। आपके पास भी कोई पेन है तो इस तरह से हिला दीजिए, क्योंकि हमने इतिहास बनाया है, हमने क्या किया है, 100 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। तो सभी बोल दीजिए एक बार यस, ठीक है ना? 100 के 100 क्वेश्चन, पूरा का पूरा पेपर आपका सॉल्व हो चुका है। और इस पेपर में आप देखिएगा, कल जो हमारी क्लास हुई थी ना, उसमें मैंने बताया था, एक क्वेश्चन आया था कि भाई दो लाइव वैक्सीन यदि एक साथ देनी है तो आपको कैसे देनी है। आपका आंसर सही था, साइमल्टेनियसली एट डिफरेंट साइट, ठीक है ना? किस तरह से दे सकते हैं आप, साइमल्टेनियसली एट डिफरेंट साइट दे सकते हैं, सेम साइट पे नहीं दी जाएगी, ठीक है ना? तो राइट आंसर आपका उसका सेम साइड था, बाकी सभी आंसर हमारे सही है, और इसके लिए मुझे बहुत हार्दिक खुशी है, ठीक है ना? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, ठीक है ना? आपने इतना सब्र बनाए रखा हमारे साथ, हमें को इतना सहयोग किया, इसी तरह हमारे साथ आगे जुड़े रहिएगा। कल शाम को भी 5 बजे आपकी एक बहुत ही स्पेशल क्लास होगी, ठीक है ना? दो इसी तरह से हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारे वेरियस कोर्सेज को डाउनलोड कर लीजिएगा, UPPSC 1499 फुल कोर्स, 1799 और CHO कोर्स 999। तो हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।